बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान आरबानी एकेडमी। व्यूअर्स, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन सेट्स। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है के जिसके जिसमें सारे एलिमेंट्स हों, ऐसे सेटों के जिस जो के हमारी टॉपिक में हो, जो कि हमारे बातचीत में हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे हमारे पास है दो सेट हैं और उनके एलिमेंट्स हैं। ए सेट लेते हैं, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये हमारे अंडर डिस्कशन में है। और उसके बाद बी सेट लिखते हैं हम, और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6, 7। तो व्यूज, अब ये जो यूनिवर्सल सेट होगा इसमें इन दोनों सेट के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। कैसे, आप देखें, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट जो है इस साइन से डिनोट होता है, ये यूनिवर्सल सेट की साइन है, तो हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। अब यहाँ से ये 1 लेंगे और 2 लेंगे और 3 लेंगे, 4 लेंगे ए से, और ए से 5 लेंगे, और ये जो 3 है दोबारा नहीं लिखेंगे बी का, और 4 जो है दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है, 5 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ से 6 लिखेंगे हम, और यहाँ से 7 लिखेंगे। तो हमने दो सेट लिए थे और उनके जो सारे एलिमेंट्स हमने यूनिवर्सल में लिखे, तो ये एक यूनिवर्सल सेट बन गया। तो यानी मतलब जो सेट मिले हुए होंगे उनके सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में होंगे, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट अंडर डिस्कशन सेट्स, जो कि हमारे एक्सरसाइज में सेट होंगे। मतलब के दो, आप यहाँ 3 सेट कहें, उनके सारे एलिमेंट्स जिसमें सेट में मौजूद होंगे उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो व्यूज, ये था आज का वीडियो यूनिवर्सल ऑफ सेट की डेफिनेशन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।